लेती हूँ। तो चलिए ये नॉर्मल है, छोटा रखो। उसके लिए मुझे दिया गया है लंग्स में सूजन की वजह से मैं सांस प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहनी है ब्लू वाली साड़ी, मैं बनाऊंगी रील्स, पर ना मैं कुछ दिखाना चाहता था, ना मैं आप लोगों को ही दिखाना चाहता है कि ये खा रहा है ऑरेंज, अमरूद और अनार, है ना? ऑरेंज। तो चलिए पहले मैं से काट के मैं खा लेती हूँ थोड़ा। नो, ओपल ऑरेंज, अनार नहीं है बेटा ये, अनार तो ये होता है ना, ये तो ऑरेंज है। क्या कर दिया बेटा आपने ये? ऑरेंज। तो देखिए नमक का दिमाग लगते हुए कुर्सी लेके आ गया ऊपर से सामान उतारने के लिए। मेरे बाप रे दिमाग। लो दे दो ना। नाकामयाब रहा बेचारा। तो इससे तो उतना नहीं, मैंने उतार के दिया उसको ये। ये कैसे खाता है? बड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। हेलो दोस्तों, सो गुड इवनिंग, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइस, शाम हो रही है और मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है ताकि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। तो अभी मेरा चेकअप वगैरह हुआ था, तो ब्लड रिपोर्ट हुई थी और एक एक्सरे हुआ था, तो उसमें पता लगा है कि इन्फेक्शन है मुझे लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में, और सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है मुझे। अगर मैं थोड़ा भी सर्दी के संपर्क में आ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा ही मतलब सांस में प्रॉब्लम होती है। तो सारा चेकअप वगैरह हुआ है, अभी एक बार परसों फिर बुलाया है डॉक्टर को दिखाने के लिए। बाकी जो रिपोर्ट्स आई है उसके अकॉर्डिंग मुझे दवाई दी गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। सो ये है गाइस मेरी रिपोर्ट्स, ये ब्लड टेस्ट हुआ था, ये ब्लड की रिपोर्ट है, और ये दोनों रिपोर्ट्स ब्लड की है, और ये हुआ था मेरा एक्सरे। सो ये रहा एक्सरे। तो अब इनके चलते मुझे पता लगा है गाइस कि मुझे कि मैं रात को जब उठती हूँ तो मुझे थोड़ी सांस में प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब प्रॉपर तरीके से सांस नहीं आती है। तो एक बहुत ही बैड न्यूज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो गाइस, आई होप कि आप लोग इसके बाद दूरी नहीं बनाओगे मुझसे, मतलब बीमारी कुछ नहीं है, बस लंग्स में सूजन की वजह से मैं सांस प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ। तो उसके लिए मुझे दिया गया है आप लोग जानते होंगे क्या है, ये पंप है जिससे कि मुझे सांस अगर नहीं आती है तो मुझे इसको इस तरीके से यूज़ करना है, लेना है। ये मेरी सांस में मतलब थोड़ी हेल्प करेगा। सो बुरा भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है देख के कि अभी 37 उम्र में इस पर रहना पड़ रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। मैं खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि नए साल आने वाला है
नए साल के अंदर जनवरी में अपनी सारी बीमारियां मिटा दूंगी, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दूंगी और कोई टेंशन नहीं लूंगी और इसको तोड़ के फेंकूंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से और आपके सामने इसको तोड़ूंगी, क्योंकि मुझे इस पर नहीं जीना। मुझे अपनी प्रॉपर सांस चाहिए, प्रॉपर तरीके से जीना है मुझे, इस पर नहीं रहना मुझे। तो इसको फेंक देंगे, बस इतना ही, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही थी मुझे। इस वजह से ब्लॉग में मैं प्रॉपर नहीं बना पाती रील्स भी। अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इधर ये जूता स्टैंड रखा हुआ है, इस पर फ़ोन को टिका के फिर मैं शूट करती हूँ। तो चलिए, ये नॉर्मल है, होता रहता है, सोचना नहीं है, ठीक होना है। तो बाय, बस आप सब लोग प्रे करिएगा मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और इसको तोड़ के फेंक दूँ।